नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। ये खबर महाराजगंज से है। जनता में पुलिस को लेकर एक तरह की चर्चा बनी रहती है, कभी उनकी अच्छाइयों की तो कभी उनकी बुराइयों की। महाराजगंज जनपद में पुलिस ने आज एक ऐसा मिसाल पेश किया है कि जगह जगह उनकी कार्यशैली की प्रशंसा हो रही है। मामला जनपद में तैनात यातायात प्रभारी विनोद यादव का है। आपको बता दें कि बीती रात गश्त के दौरान रात करीब 9 बजे कड़ाके की ठंड में एक मासूम जो मानसिक रूप से अस्वस्थ घूम रहा था, जिसको यातायात प्रभारी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर सदर कोतवाली में लाकर उसको गर्म कपड़े व खाने पीने का व्यवस्था भी कराया। वही मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने भी यातायात प्रभारी विनोद यादव के कार्यों का सराहना किया है। क्या कुछ कहा इस दौरान विनोद यादव यातायात प्रभारी ने, आपको सुनवाते हैं। ये भ्रमण पे अपने हमराहों के साथ भ्रमण कर रहा था, तो ये रास्ते में बच्चा घूमते हुए दौड़ते हुए मिला और नहर के किनारे सुनसान जगह पे भागता हुआ जा रहा था, तो उसको जो है पकड़ के उसको बैठाया गाड़ी में, चॉकलेट वगैरह दिया, पानी उन्हें पिलाया, फिर उसके बाद ले आकर के अब गाड़ी में बैठा कर ले आकर थाने इसको सुपुर्द कर देंगे, इनके परिजनों को बुला करके इन बच्चा को दे दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये बच्चा किस नहर की तरफ घूम रहा था? ये चूराहा वाले जो उस पर जाते हैं उस नहर पे, नहर के किनारे, और सड़क पे दौड़ते हुए उधर ही अपना भाग रहा था। तो हो सकता है विक्षिप्त हो या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है, विक्षिप्त लग रहा है, तो इसके इस नाते यहाँ बैठा करके ले आए, कोई इसके साथ कोई दुर्घटना ना होने पाए।